हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सीपीटी फ्रेंड्स पर। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे डिफाइन थर्मोप्लास्टिक्स एंड थर्मोसेट। तो जय श्री कृष्णा, आइए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। तो दोनों में जनरली हम देखें प्लास्टिक दो टाइप का है, थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेट। थर्मोप्लास्टिक्स जो मटेरियल हैं, थर्मोप्लास्टिक्स आर मटेरियल दैट कैन बी रिपीटली हीटेड, मेल्टेड एंड कन्वर्टेड टू ए प्रोडक्ट। यानी कि थर्मोप्लास्टिक्स जो मटेरियल हैं, उसको जब गर्म करते हैं तो वो सॉफ्ट होता है, और ठंडा करते हैं तो वो हार्ड हो जाता है। तो ये जो प्रोसेस है, ये अगेन एंड अगेन होता है। जब भी हम प्लास्टिक मटेरियल को, थर्मोप्लास्टिक मटेरियल को गर्म करेंगे तो सॉफ्ट होगा, ठंडा करेंगे तो हार्ड हो जाएगा, फिर से अगर उसको हम गर्म करेंगे तो सॉफ्ट होगा। तो यानी कि जो प्रोसेस है वो लगातार है, रिपीटली है। तो एग्जांपल में पीपी है, एचडीपी है, पीवीसी है, एबीएस है, ये बहुत सारे एग्जांपल है थर्मोप्लास्टिक के। थर्मोसेट क्या है? थर्मोसेट्स अंडर गो ए केमिकल रिएक्शन ड्यूरिंग कन्वर्जन इनटू ए प्रोडक्ट। थर्मोसेट जो मटेरियल है, उसमें केमिकल रिएक्शन होता है जब किसी प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं। द प्रोडक्ट कैन नॉट बी रिमेल्टेड एंड कन्वर्टेड इनटू ए अनदर प्रोडक्ट। तो जो प्रोडक्ट है वो हम उसको दोबारा से हम उसको रिमेल्टेड नहीं कर सकते, और उसे दूसरा हम शेप नहीं दे सकते, दोबारा हम कोई भी दूसरे शेप में कन्वर्ट नहीं सकते। जैसे एग्जांपल है पीएफ है, यूएफ है, एमएफ है, एपॉक्सी रेजिन है, अनसैचुरेटेड पॉलिएस्टर रेजिन है। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन थर्मोप्लास्टिक्स एंड थर्मोसेट। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? दे ऑफन ऑन हीटिंग एंड सेट ऑन कूलिंग एवरी टाइम। यानी थर्मोप्लास्टिक्स मटेरियल में क्या बोल रहा है कि आप ये जो मेटल जब उसको गर्म करते हैं तो सॉफ्ट हो जाते हैं, ठंडा करने के बाद में वो हार्ड हो जाते हैं, सेट हो जाते हैं एवरी टाइम, हमेशा। और थर्मोसेट में यहाँ पे है दे हार्डन ऑन हीटिंग, यानी कि ये गर्म करने पे हार्ड हो जाते हैं। द पॉलीमर चेन्स आर हेल्ड टुगेदर बाई वीक फोर्सेस कॉल्ड वंडर वॉल्स फोर्स ऑफ एट्रैक्शन। यानी कि इसके जो पॉलीमर चेन है वो एक दूसरे से हेल्ड है, जुड़ी हुई है बाई वीक फोर्सेस। यानी कि इसके बीच का जो फोर्सेस है, मॉलिक्यूल्स फोर्सेस है, वो बहुत ही कमज़ोर रहता है, ठीक है। इसके बाद में इसमें थर्मोसेट पे क्या है, द पॉलीमर चेन्स आर लिंक्ड बाई स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड। यानी कि इसके बीच का जो केमिकल चेन है वो स्ट्रॉन्ग रहता है। तो थर्ड पॉइंट है दे आर सोलेबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। यानी कि इसको हम ऑर्गेनिक जो सॉल्वेंट में इसको हम घोल सकते हैं। इसके बाद में इसमें तीसरा पॉइंट है दे आर इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। यानी कि इसमें हम आपका इसको इनसॉल्युबल, ये घुलते नहीं हैं। दे एक्सपेंड वेरी मच ऑन हीटिंग। थर्मोप्लास्टिक जो मटेरियल है उसको हीटिंग करने के बाद में बहुत ही एक्सपेंड होते हैं, बड़े होते हैं। एंड थर्मोसेट में क्या है, दियर एक्सपेंशन इज ओनली मार्जिनल ड्यू टू हीट। यानी हीट के कारण इसमें बहुत ही कम एक्सपेंशन होता है। इसके बाद में थर्मोप्लास्टिक्स में दे आर फॉर्म बाई एडिशन पॉलीमराइजेशन। यानी कि एडिशन पॉलीमराइजेशन के द्वारा फॉर्म होते हैं, और इसमें थर्मोसेट में दे आर फॉर्म बाई कंडेंडेशन पॉलीमराइजेशन। तो ये जो है जो दोस्तों, ये कंडेंडेशन पॉलीमराइजेशन से फॉर्म किए जाते हैं। इसके बाद में क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है दे आर प्रोसेस्ड बाई इंजेक्शन मोल्डिंग। तो थर्मोप्लास्टिक जो मेटल वो इंजेक्शन मोल्डिंग के द्वारा प्रोसेस किया जाता है, और थर्मोसेट दे आर प्रोसेस्ड बाई कंप्रेशन मोल्डिंग के द्वारा। अच्छा, इसमें दोस्तों आपका एक मेटल है, तो इसमें थर्मोसेट इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन भी आता है जिससे हम उसको प्रोसेस कर सकते हैं। तो स्क्रैप के भी रीयूज्ड, इसमें हम थर्मोप्लास्टिक का जो स्क्रैप है वो हमको रीयूज कर सकते हैं, और स्क्रैप उसका रीयूज नहीं कर सकते, स्क्रैप कैन नॉट बी रीयूज्ड। एग्जाम्पल में है थर्मोप्लास्टिक्स में पॉलीथिलीन है, पीवीसी है, नाइलॉन है, और इसमें थर्मोसेट में है जैसे कि यूएफ हो गया, आपका वेकेलाइट्स हो गया, प्लास्कॉन हो गया। इसके बाद में एक मेन क्वेश्चन उठता है दोस्तों, डिफरेंस जो है थर्मोप्लास्टिक रिसाइकल हो जाए, थर्मोसेट क्यों नहीं होता है, इसका मेन रीजन क्या है? तो यहाँ पे स्ट्रक्चर में यहाँ पे दिखाया गया आपको पॉलीमर चेन के बीच में क्या है, नो क्रॉस लिंक। यानी कि इसमें जिसका जो स्ट्रक्चर रहेगा, जो पॉलीमर चेन रहेगी, उसके बीच में क्रॉस लिंकिंग नहीं है, जबकि थर्मोसेट में क्या है, पॉलीमर चेन के बीच में क्रॉस लिंकिंग रहता है, जैसा आपके ग्रीन डायग्राम में दिख रहा है। तो यही दोनों में मेन डिफरेंस है। अगर आपको कभी भी कोई पूछता है कि आपका दोनों में डिफरेंस क्या है, तो बिकॉज ऑफ क्रॉस लिंकिंग ऑफ पॉलीमर चेन दैट कैन नॉट बी रिसाइकल। तो यहाँ पे एग्जांपल में दिखाया गया जैसे कि कैन बी मिल्टेड रिपीटेडली। यानी कि थर्मोप्लास्टिक्स में बहुत सारे एग्जांपल हैं, थर्मोसेट के बहुत सारे एग्जांपल हैं, बहुत सारे एप्लीकेशन हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा।
और नेक्स्ट टॉपिक पे आप किस पे वीडियो देखना चाहते हैं उसके बारे में भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। तो दोस्तों लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।